हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखिए, जहाँ से कल एंड करी थी वहाँ से फिर से स्टार्ट करी हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि कल आप लोग देखे थे कि सत्यनारायण भगवान जी की कथा चल रही थी, तो बस यहाँ पे देखिए कल आधा ही हुआ था, तो मैं कही चलो आज आप लोग को पूरा दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी की कथा चल रही थी और जो पंडित जी थे ना, बहुत अच्छी कथा कर रहे थे, मतलब एकदम अस्थाई से और विस्तार से पूरा कथा के बारे में बता रहे थे। थोड़ा समय ज़रूर लगा था लेकिन बहुत ही अच्छे से बता रहे थे। उसके बाद फिर देखिए होने लगा था हवन, और हवन सबसे पहले दीदी और जीजा जी कर रहे थे, उसके बाद अभी सभी लोग हवन करेंगे, मैं जो कि आप लोग को पूरा दिखाऊँगी। और इस समय जब हवन हो रहा था, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हवन होता है तो सब गाना गाती हैं कि बड़ी भाग्यशाली भवनवा हो जहाँ होला हवनवा। तो पंडित जी मना कर दिए, कहे आप लोग गाना गाओगी तो मैं मतलब अपना मंत्र भूल जाऊँगी। तो इस पर सभी बहुत हंस रहे थे, लेकिन हाँ पंडित जी बहुत अच्छा बता रहे थे। तो यहाँ पर देखिए दीदी के घर से सब करने लगे, तो उसके बाद फिर देखिए भैया भाभी भी आ गए थे हवन करने के लिए। भैया को सब बैठने में तकलीफ़ हो रही थी, तो भाभी ने पहले अच्छे से बैठा के और फिर देखिए भैया भाभी हवन करने लगे थे, और उसके बाद बारी बारी सभी लोग हवन कर रहे थे। और दोस्तों, ये पूरा ब्लॉक में मैं जो भी ब्लॉक वहाँ का बनाया, तो कुछ भी कट पिट नहीं करी, जितना भी वहाँ पे बनाई थी वीडियो मैं सारा आप लोग के साथ शेयर करी, क्योंकि ना बहुत अच्छा कोई चीज़ देखिए, वैसा चीज़ तो सभी लोग हमेशा देखते, लेकिन भगवान जी का बहुत ही अच्छे से श्रद्धा से, तो बहुत अच्छे से हवन उवन हर एक चीज़ करा रहे थे पंडित जी। तो मैं आप लोग को दिखाया, देखिए बारी बारी से सभी लोग हवन कर रहे थे, और जो भी मतलब कहें पंडित जी, जितने भी लोग हम घर में हैं सभी लोग पांच पांच बार आहुति मतलब आहुति दे सकते हैं। बस यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी, और मैं मुझे लगा ना कि दीदी के जेठ जी हैं, फिर बगल हो गई थी, तो कहें कि नहीं नहीं तुम एक साइड बैठ जाओ, एक साइड से मैं भी कर लूँगा। तो यहाँ पर फिर देखिए मैं ये हैं और रितु है, उसके बाद फिर दीदी के जो जेठ जी है वो भी आ जाएंगे, सब लोग साथ में हवन कर रहे थे। प्रिंसी शिवास मतलब जितने भी बच्चे थे, बच्चों से लेकर बड़े तक, सभी से पंडित जी हवन करवाए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था हवन करना। और मेरे कान्हा जी भी देखिए सामने, आप लोगों को शायद नहीं दिखाई देते होंगे, एकदम सामने जहाँ पे एप्पल रखा हुआ है वहाँ पे मेरे कान्हा जी हैं, और कान्हा जी भी उनकी मतलब मुझे इतनी खुशी मिल रही थी, उनका भी बहुत अच्छे से सेवा किया जा रहा था उनके घर में, बिल्कुल भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से। बस इस तरह से देखिए, और सभी लोग हवन करने के बाद उसके बाद फिर होगी आरती, देखिए दीदी के घर से मतलब सभी लोग थे। और दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए कुछ भी कट पिट नहीं करी ना, तो कुछ देखिए मेरे मोबाइल में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई। रही बात वीडियो की, तो मैं सोची ना कि मैं आप लोग के साथ जितना मैं इंजॉय करी हूँ, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी हर एक चीज़ का जो भी मतलब वहाँ समय बिताई हूँ वो चीज़ मैं आप लोग के भी साथ शेयर करूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसलिए मैं कुछ भी कट पिट नहीं करी हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूना वाले भैया भाभी आ गए थे, वो सब भी हवन कर रहे थे, तो बस यहाँ पर करने के बाद, और उसके बाद जो भी बच्चे थे बड़े थे सभी लोग मतलब कर लिए थे हवन। हवन करने के बाद फिर बहुत ही अच्छे तरीके से आरती हो रही थी, और ये देखिए आपकी प्रिंसी भी आ गई है हवन करने। और प्रिंसी आज बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही, क्योंकि ये ड्रेस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, ये वाला टॉप उसके ऊपर।
और सच में दोस्तों ये वीडियो देख के ना आप लोग भी झूमने लगोगे, क्योंकि देखिए मुझे पूजा पाठ से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, तो इसलिए मैं मतलब सोची आप लोग के भी साथ शेयर करूँ। पता नहीं आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं, आप लोग ये ना सोचते कि एक ही ब्लॉग पूरा मतलब कर दी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोग विश्वेश्वरी विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरशा ॐ जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यषण्णः देहनाकम्। तो बहुत ही जैसे हमारे गांव में पूजा कराए थे उस तरह से यहाँ पे पंडित जी भी पूरी एकदम अच्छे से पूजा कराए थे, और उसके बाद जितने लोग थे सबको पंडित जी अपने हाथ से टीका लगाए थे। फिर देखिए पूजा वूजा करने के बाद सब करने, फिर हम लोग का थोड़ा बहुत इंजॉय होने लगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सब लोग खूब अच्छे से फोटो खिंचवाने लगे थे। और उसके बाद ना दोस्तों दीदी जो अपना शाम को साड़ी पहनने वाली थी उसका ब्लाउज ना वो टेलर एकदम से ख़राब कर दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार कर दिया था। और ये एक साड़ी थी दीदी की जिसमें कि किनारी सिलना था, तो फिर दीदी कहें कि तुम मतलब थोड़ा सा सिल दो, तुम कहीं चलो ठीक है, खाना पीना सबका हो गया था। और इसके बाद ना दोस्तों मतलब शाम को फिर जो सुंदरकांड होता है वो सब भी होने वाला था, तो मैं कही चलो अच्छा फर्सी से सिल लेती हूँ और फिर दीदी का ब्लाउज बनाती हूँ। और ये जो साड़ी है ना ये दीदी अपनी जेठानी के लिए मंगाई है, क्योंकि आज ही रात की उनकी जेठानी की टिकट है चार धाम की यात्रा के लिए, दीदी उन्हें भेज रही थी और ये बहुत ही पुण्य का काम कर रही थी दीदी, तो बस उनके लिए साड़ी मंगवाई थी रेड कलर, कहीं मैं उन्हें रेड कलर की साड़ी में यात्रा करने मतलब चार धाम की, तो बस उसी का किनारी सिल रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं लेस वेस ले आई थी बाज़ार से, और देखिए ये जो छोटी सी ना जिन्हें पिन लगा रहे दीदी की सबसे बड़ी वाली जेठानी है, थोड़ी मतलब ये देखिए जिन्हें एक मतलब दीदी पिन लगा रही हैं, ये दीदी की सबसे छोटी मतलब छोटी करी सॉरी सबसे बड़ी जेठानी है दीदी की, और जो पिन लगा रही है मेरे ख्याल से दूसरा नंबर या तीसरा नंबर है, मुझे इतना नहीं पता है। तो उसके बाद फिर देखिए शाम का समय बाद यहाँ पे देखिए सुंदरकांड ना बहुत ही अलग तरीके से हो रहा था। गांव में हमारे यहाँ क्या होता है कि बस एक हनुमान जी की या श्री राम जी की फोटो रख के और उसके आगे करते, लेकिन यहाँ पे देखिए मूर्ति उर्ति एकदम अच्छे से पंडाल बना के फिर यहाँ पे इस तरह से किया जाता है। और यहाँ पे ना औरत लोग भी बैठती, तो हम लोग को इस विषय में कुछ पता नहीं था। पे जो सुंदर कांड हो रहा था ना ये भी बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके से पूरा भगवान जी का बता रहे थे, बहुत सुनने में एकदम अच्छा लग रहा था। ये हो रहा था कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ, तो बस ये देखिए यहाँ पे सब हो रहा था। और उसके बाद फिर होगी जो दीदी और जीजा के लिए पार्टी, तो वो तो मैं आज के ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी दोस्तों, क्योंकि ना मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया है, किस वजह से कोई भी वीडियो नहीं ले रहा है, कोई भी वीडियो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, ना तो गैलरी में ही और ना ही कोई काइंड मास्टर में, क्योंकि
क्योंकि मेरा मोबाइल इतना अच्छा है कि मैं अपने मोबाइल के गैलरी से ही सारी एडिटिंग करती थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है तो इसके आगे का वीडियो एक भी आ ही नहीं रहा था। मैं सोची चलो जितनी भी फ़ोटो है आप लोग के साथ वो शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखिए जितनी आज की फ़ोटो थी तो मैं सारा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए जीजा और दीदी कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद ना जितनी भी फ़ोटो थी मैं सारा आप लोग के साथ शेयर करी थी। यहाँ पे देखिए दीदी की ननद मतलब सबके साथ पूरी फैमिली के साथ, और उसके बाद दीदी भी अपनी पूरी फैमिली के साथ यानी कि अपने तीनों बच्चों के साथ और सभी लोग फ़ोटो खिंचाए। देखिए ये है दीदी की फैमिली और लाल गोपाल खुशी दीदी और जीजा जी, उसके बाद हम लोग मतलब उनका भी परिवार था, हम लोग भी थे, इस तरह से सब लोग फ़ोटो खिंचवाए थे। तो बस मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी थी, कहीं आप लोग भी थोड़ा देख लीजिए फ़ोटो, क्योंकि ना इसके आगे पता नहीं मेरे मोबाइल में क्या होगा। अब चल रही किसी को दिखाऊँगी तभी शायद कुछ होगा इसका, क्योंकि कोई भी वीडियो मतलब वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। गैलरी में आ जा रही है वीडियो, वीडियो चल रही है लेकिन एडिटिंग के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एडिटिंग के लिए कर रही हूँ ना तो बार बार कैंसिल हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। बहुत मुश्किल से मैं इतना कर पाई थी वॉइस मतलब एडिटिंग कर पाई थी। और देखो अगर कल हो सकेगा दोस्तों, अगर कल वीडियो बन सकेगी तो अपलोड करूँगी, और नहीं बन सकेगी तो कल मैं किसी को मोबाइल दिखाऊँगी। तब तक आप लोग फ़ोटो भी देख लीजिए, क्योंकि फ़ोटो भी देखना बहुत लोग को पसंद होता है। मैं जितनी भी फ़ोटो थी आज सारा वो शेयर कर दे रही हूँ, बाकी जो और भी फ़ोटो रहेगी वो भी सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे देखिए सब कितने मतलब सब कितने सुंदर कितने प्यारे सब इस तरह से है। और दोस्तों चलिए वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो बस दोस्तों यहाँ तक देखिए मैं और भाभी हैं मतलब। तो दोस्तों आप सबसे एक बार फिर से मैं माफ़ी चाह रही हूँ कि मैं इसके आगे की वीडियो आप लोग के साथ नहीं शेयर करी, लेकिन कल कोशिश पूरा करूँगी कि मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी। एक बार आप सबसे फिर से कह रही हूँ अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।